नमस्कार दोस्तों, मैं कुबेर पाटीदार और मैं आपके सामने एक ट्यूटोरियल पेश करने जा रहा हूं, जिसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से एक NSDL ने भी एक प्रफर्म जारी किया है जो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी की जो CRE की साइड है उस पर अपलोड करना है, जिसका नाम है FATCA FAT का जो सेल्फ सर्टिफिकेट है, जो सब्सक्राइबर को सेल्फ को अपडेट करना है, इसको अपने लॉगिन में जाकर के अपना जो प्राण किट का लॉगिन है उसमें जाकर के, लेकिन वो उन सब्सक्राइबर के लिए है जो उन कैंडिडेट के लिए है जिनकी पोस्टिंग 1 जुलाई 2014 के बाद हुई है, उनको ये फॉर्म अपडेट करना है। तो उसको किस तरीके से अपडेट किया जाएगा, इसमें वैसे सरल ही है, ये जो आपको अपडेट करना है अपने लॉगिन में जाकर के, इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जो NSDL की साइट पर जाकर के CRA NSDL को लॉगिन करना होगा। यहाँ पर अपनी साइट लिखनी है, उसके बाद में ये होम पेज खुलेगा। यहाँ पर आप अपना प्राण नंबर डालेंगे यूज़र आईडी में, और यहाँ पर अपना जो पासवर्ड है, रिक्वायर्ड पासवर्ड आपको जो दिया हुआ है, जिसमें 8 डिजिट का आपका IPIN है, वो डाला जाएगा और इसको लॉगिन यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करके लॉगिन किया जाएगा। इसमें ये भी हो सकता है कि आपने अगर अपना पासवर्ड चेंज कर दिया है तो वो पासवर्ड भी आप यूज़ इसमें कर सकते हैं। और उसके बाद में जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आप जाएंगे। सबसे पहले अपने लॉगिन में सेल्फ सर्टिफिकेट में, तो आप अपना जो ट्रांजैक्शन मेनू है वहाँ पर जा कर के आपको ये लॉगिन करना है। वहाँ पर सेल्फ सर्टिफिकेट FATCA लिखा हुआ है, डिक्लेरेशन फॉर्म, उस पर टिक करना है। तो जैसे ही आप टिक करेंगे तो आपके सामने ये आपका पेज खुलेगा, जिसमें लिखा होगा आपका नाम, आपका प्राण नंबर, आपकी कंट्री, यहाँ पर आपको कंट्री ऑफ बर्थ यानी कि इंडिया लिखना है, उसके बाद में कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, वो भी आपका यहाँ पर इंडिया ही आएगा, और उसके बाद में कंट्री ऑफ रेजिडेंस फॉर टैक्स पर्पस, वहाँ पर भी इंडिया आएगा, और उसके बाद में US पर्सन, यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट करना है क्योंकि आप US पर्सन नहीं है, इंडियन सिटीज़न है। उसके बाद में आपको सबमिट बटन पर यहाँ पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक प्रफर्म खुलेगा जिसमें आपका यह पार्ट ऊपर वाला तो आपने जो सबमिट किया है वो है, और यहाँ पर एक छोटा सा चेक बॉक्स लिखा है, ये चेक बॉक्स है एप्लीकेशन फॉर ऑल कस्टमर्स। तो यहाँ पर चेक बॉक्स पर जैसे ही आप टिक करेंगे, टिक करने के बाद में आपको इस बटन पर, कंफर्म बटन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो फॉर्म खुलेगा वो इस टाइप का फॉर्म होगा, और यहाँ पर लिखा होगा सेल्फ सर्टिफिकेट फॉर इंडिविजुअल FATCA CRA डिक्लेरेशन फॉर्म, नेम ऑफ सब्सक्राइबर, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, परमानेंट रिक्वायरमेंट अकाउंट नंबर यानी कि यहाँ पर आपको अपना प्राण नंबर लिखना है जो 12 डिजिट का है, और डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद में पार्ट वन है, उसमें आपने भर दिया है पहले से, ये फॉर्म भरा हुआ आएगा आपके पास में, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो आपने भर दिया था यहाँ पर ईयर बर्थ में, यहाँ पर इंडिया लिखना है, यहाँ पर सिटीजनशिप, ये भी इंडिया है जो ऊपर आप लिख चुके हैं पहले, और रेजिडेंस ऑफ टैक्स पर्पस, यहाँ पर भी इंडिया लिखा हुआ आ जाएगा। US पर्सन इज नो लिखना है, यहाँ पर नो सेलेक्ट करना है, और उसके बाद में आपके पार्ट जो सेकंड है उसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है, क्योंकि ये उन सिटीजन के लिए है जो विदेशी हैं, नॉट ए इंडियन। और पार्ट थर्ड जो आपका होगा, इसमें आपको यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं आपके,
और यहाँ पर आपका नाम लिखना है और यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद में आपको इसको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है और एक सर्टिफिकेट आपके नाम से होगा जो आपको वेरीफाई करने के लिए चाहिएगा, या तो इसमें आप पासपोर्ट भी डाल सकते हैं या आपका ईपिक भी डाल सकते हैं। उसके बाद में पैन कार्ड की कॉपी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, यूआईडी है, नरेगा का जॉब कार्ड भी डाल सकते हैं और गवर्नमेंट इशू कोई भी आईडी आपकी हो सकती है। तो इसको इस तरीके से सबमिट करना है आपको। आइए अपन देखते हैं अपन को कि किस तरीके से अपन को इसमें ऑनलाइन अपन को हेडिंग करने का प्रोसीजर भी इसका क्या है। तो मित्रों, इसको आप आसानी से कर सकते हैं।